हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। यस, वेलकम टू चैनल जुडिशरी एग्जाम 360, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू कैटर ऑल द नीड्स ऑफ अ जुडिशरी एस्पिरेंट। आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम चंगे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जो लोग आरजेएस देने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से अपने कदम आगे बढ़ा रहे होंगे प्रिपरेशन के टूवर्ड्स आरजेएस। अब करीब एक हफ्ता ही रह गया हमारे पास, एंड ये वो टाइम है जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और अगर हमें रिवीजन भी करना है तो हम 2 से 3 घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स पूरा सब्जेक्ट निपटा दें, भले वो मेजर हो या माइनर हो। माइनर तो आई वुड सजेस्ट कि 1-1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कल के सेशन में, मैं पार्ट टू में आपको 124 से लेके 238 तक के सेक्शंस जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के हैं वो करवाने वाला हूँ। तो ये पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप यहाँ पे डिटेल रिवीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत देखना वो, ये वो सेशन नहीं है। अगर आपने डिटेल रिवीजन देखना है तो मैंने अलग से पढ़ा है 2 महीने पहले, जहाँ पे हमने हर एक सेक्शन पे डिटेल्ड पे डिस्कशन किया है, ठीक है। मतलब वो रिवीजन ही है बट वो थोड़ा डिटेल में है। ये सुपर फास्ट रिवीजन है, ये सिर्फ उनके लिए है जो आरजेएस देने वाले हैं या जिन्होंने कम से कम 3 बार अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सेट पढ़ लिया है, ठीक है। और एक फटाफट वाला रिवीजन चाहिए कि एक बार नजर मार लेते हैं कि है क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये। तो प्लीज ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप पहली या दूसरी बार देख रहे हो तो सब ऊपर से जाएगा, इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो मत करना। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या आरजेएस दे रहे हो तो बिल्कुल देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ये काफी हेल्पफुल रहेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। काम आएगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से सेक्शंस रेलेवेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करें। आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। सो हियर वी आर, स्टार्ट विद अ सेशन। About me, I am a graduate of National University Odisha. I've been teaching for past 4 years. I'm a plus verified educator. मेरा Indian Evidence Act का भी एक plus course चल भी रहा है, जो आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे इसके sessions होते हैं, and I've taught more than 4,000 students. Telegram group से जुड़ सकते हैं, Telegram group का नाम है Judish Pandey Judiciary Academy, तो उसको आप join कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी क्लासेस की, कोई नया डिस्कशन हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी डिस्कशन हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कोई नया जो एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी डिस्कशन है वो हम वहाँ कर सकते हैं आराम से। प्लस में जो आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस होती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं आपको, स्टडी प्लानर मिलता है जिससे आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन है, उसको चॉकआउट कर सकते हो कि आपने किस अप्रोच के साथ जाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, यू ऑल्सो गेट अनलिमिटेड एसेस। तो एक बार सब्सक्रिप्शन ले ली, उसके बाद जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना है आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी सर से नहीं पढ़ना है, बट हाँ वो अगर हमें कोई और पढ़ा दे तो मजा आ जाए, बट उस तरीके हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कई जगहों पे। यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, किससे पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। टेस्ट एनालिसिस मिलता है, विच इज ट्रस्ट मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब एग्जाम करीब हो, जैसे अभी आरजेएस 1 हफ्ते बाद, तो टेस्ट एनालिसिस बहुत काम आता है। टेस्ट एनालिसिस आपको बताता है कि आप गलत कहां कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये भी समझ में आएगा अगर आप इसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो गलती क्या हो रही है, कहां हो रही है और क्यों हो रही है, ये तीनों चीजें पता चलेंगी यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अलग अलग प्लान्स मिलते हैं आपको अनअकैडमी में, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस प्लान के साथ जा सकते हैं। पर एडवाइजेबल है कि कम से कम 6 महीने का प्लान ले अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्योर रिविजन ही करना है तो भी, बिकॉज इवन प्रिपरेशन या रिविजन विल ऑल्सो टेक टाइम, और हमें पता है कि अगले 9 से 10 महीने में बहुत सारे स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन आएंगे। अभी हरियाणा निकल चुका है, राजस्थान अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी MP, दिल्ली, UP सारे स्टेट्स के एग्जाम अभी होना ही है। तो प्लीज उसके हिसाब से अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। अगर आप स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो 12, 18 या 24 महीने का प्लान ले सकता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ग्रेजुएट हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो 12 महीना इज अ सफिशिएंट टाइम। 12 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत बहुत आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा रिवीजन के साथ,
ठीक है, और इस सारे टाइम हमें देना भी नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो यू कैन गो फॉर 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, क्योंकि हमारे पास सफिशियंट टाइम होता है, हम बहुत आराम से एक मैराथन की तरह इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, द कोड इज UTTU10। अगर इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ, जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, बहुत वैरायटी मिलती है आपको, आपने जो पढ़ना है जिससे पढ़ना है पढ़ सकते हो। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है लाइव चैट के थ्रू, और अभी एक फीचर भी ऐड हुआ जो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो प्लस मेंबर्स यूज कर सकते हैं और ऑडियो कॉल की तरह अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, रेज अ हैंड फीचर है वो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बहुत सारे क्विजेस मिलते हैं विच हेल्प यू टू प्रैक्टिस। हमें पता है सिर्फ यही जरूरी नहीं कि हमने पढ़ा हो, इज ऑल्सो रेलिवेंट कि हमने वहां पर उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिलती हैं आपको, आपका नोट्स मिल जाते हैं, आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, सारी प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अब सीधे बैराक की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा आज हम 124 से लेके 238 तक करने वाले हैं, ये हमारा फोकस होगा। जब आप ये सेशन देख रहे हैं तो जरूरी है कुछ प्री रिक्विजिट्स जिसका आपको ध्यान रखना है। प्लीज डू कीप योर बैराक विथ यू, ये तो सबसे मिनिमम बेयर मिनिमम है कि आप बैराक रखें, राइट। इसके अलावा प्लीज एक पेन अगर हो या पेंसिल हो जिससे भी आप मार्क करना चाहें वो कर रखना, और अगर पॉसिबल हो तो एक छोटी सी कॉपी हो तो बढ़िया है, अदरवाइज आज के सेशन में लिखने का बहुत ज्यादा नहीं है, बस आप मार्क कर लोगे, ठीक है, अंडरलाइन कर लोगे तो काफी हो जाएगा। कल का सेशन हाँ वहां पे था काफी सारी चीजें लिखने को केस लॉ से, यहाँ पर केस लॉज नहीं है, यहाँ पे हमें सेक्शन के अंदर क्या है वो थोड़ा सा जिस्ट पता चल जाए काम बन जाता है इसमें। चलिए मैं आपको सेक्शंस की तरफ लेके जाता हूँ। यस 124, यस हम चालू करेंगे चैप्टर 8 से, राइट, विच टॉक्स अबाउट इंडेमनिटी एंड गारंटी। सबसे पहले इंडेमनिटी आएगा 124 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पे क्या बोलोगे, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से, ठीक है, सेकेंड पार्टी से प्रॉमिस करती है कि भैया अगर तुम्हें कोई भी लॉस हुआ, या तो वो मेरी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, मैं तुम्हें कंपेंसेशन दूंगा, मैं वहां पर रीइंबर्स करूंगा जो भी तुम्हें लॉस होता है। अब याद रखना यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है लॉस, अगर लॉस हुआ है तो पैसा मिलेगा तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अगर लॉस नहीं हुआ है तो फिर ये मत बोलना कि आपको चाहिए पैसा, क्योंकि वो फिर आपका हक नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सपोज देयर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, ए ने खोलना था एक होटल, बट उसके पास को डर लग रहा था कि भाई चले या ना चले, तो वहां पर बी जो उसका दोस्त है उसने उसको अश्योर किया कि भाई तुझे होटल खोलना है खोल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल ट्राई कर ले, ठीक है, एक साल के बाद अगर लॉस हुआ, जो भी लॉस होगा जितना भी लॉस होगा मैं रीइंबर्स करूंगा, जितना भी लॉस होता है मैं रीइंबर्स करूंगा, राइट। अब अगर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ए को लेट से 5 लाख का लॉस हुआ, तो 5 लाख रुपए वो ले सकता है बी से, रीइंबर्स करवा सकता है। बट अगर ए को मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो क्या वो मांग सकता है पैसे, फिर वो मांग सकता है कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पर पूरा मुद्दा ये है कि भाई लॉस होना चाहिए, या तो उसकी वजह से हो या तो किसी और की वजह से हो, यहां पर दो पार्टीज इंपॉर्टेंट होती है, एक को बोलते हैं इंडेमनीफायर और एक को बोलते हैं इंडेमनीफाइड। ठीक है, इंडेमनीफायर इज द पर्सन जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, इंडेमनीफाइड इज द पर्सन जिसको प्रॉमिस किया गया है कि तुम्हें बचाया जाएगा। ठीक है, तो जिसको प्रॉमिस किया है दैट विल बी द इंडेमनीफाइड, और जिसने प्रॉमिस किया है वो इंडेमनीफायर होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब 125 में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बताएं, वैसे एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक बार देख लो ऑल डैमेजेस जो भी उसको देने पड़ेंगे, ठीक है, सारे कॉस्ट सारे सम्स सब में देखोगे ऑल दिया गया है, सारे डैमेजेस सारे कॉस्ट सारे सम्स जो भी उसने पे किया होगा कॉम्प्रोमाइज के लिए वगैरह वगैरह, इस सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
126 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमें बताता है कि गारंटी क्या होती है, सिक्योरिटी के बारे में बताता है, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है कि वहां पर परफॉर्म किया जाएगा प्रॉमिस या डिस्चार्ज की जाएगी लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की, अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो। यहां पर तीन पार्टीज होती है जिनका आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल ए, पी और सी। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर जिसको मैं पी डी लिख रहा हूं, ठीक है, और सी को अपन मानते हैं अपना क्रेडिटर जिससे पैसे लिए गए हैं। ठीक है, तो लेट्स से सी इज अ बैंक, सबसे इजी तरीका ये है ना। अब ए प्रिंसिपल डेटर है तो पैसे दिए क्रेडिटर ने, जिसने लोन लिया है दैट इज द प्रिंसिपल डेटर, और बी जो है वो एक तरह से श्योरिटी दे रहा है, एक तरह से गारंटी दे रहा है कि भाई अगर ए डिफॉल्ट कर गया ना, अगर ए पैसे नहीं दे पाया तो टेंशन मत लेना, मैं पैसे दूंगा। ठीक है, ये पूरी बात है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीनों पार्टीज के बारे में बता दिया गया। कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या होता है, कोई भी चीज की गई हो, कोई भी एक्ट किया गया हो या कोई भी प्रॉमिस किया गया हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, कि मान लो यहां पर क्रेडिटर ने कोई भी एक्ट किया हो, कोई भी प्रॉमिस किया हो ए के फेवर में, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के फेवर में, तो उसको या उसके बेनिफिट में, तो हम मान सकते हैं कि एक सफिशियंट कंसिडरेशन हो जाएगा श्योरिटी के लिए फॉर गिविंग द गारंटी। सिंपल एग्जाम्पल, अगर अपन बैंक का ले तो बैंक आपको लोन दे रहा है, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही सही, वो एक कंसिडरेशन है। 128 ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके साइड में आप पी भी लिख सकते हैं विच विल इंडिकेट ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब श्योरिटी की जो लायबिलिटी होगी इट विल बी सेम एज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है ना, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी की भी होगी। कभी भी श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितने पैसे तक दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो आप लिमिट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा लायबिलिटी श्योरिटी की, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप याद रखेंगे, सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 129 talks about continuing guarantee. Continuing guarantee is nothing but basically एक तरह की guarantee which जो चलती है over a series of transactions जो multiple times होती है। अगर आपने bank से एक बार loan लिया है, ठीक है, आपके पापा आपकी surety बने, one time transaction, ठीक है, continuing guarantee तो series of transactions के लिए बार बार हो रहा है कि A ने बोला B को कि भाई आप टेंशन मत लो, C के साथ बढ़िया contract करो, C आपको provide करेगा material, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूं, एक साल तक उसके साथ काम करके देखो। अब एक साल में ये ट्रांजैक्शन कई बार होगा जब सी बी को मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो ये जो गारंटी है ये एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली ट्रांजैक्शन है, एक साल तक चलने वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, 130 जो बताता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो किसी भी समय रिवोक की जा सकती है विथ रिगार्ड टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। आपको क्या करना है, बस क्रेडिटर को नोटिस देना, याद रखना है क्रेडिटर को देना है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं गारंटी में, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, पहला होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का, सीधी सी बात है यार, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद श्योरिटी और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर श्योरिटी बेसिकली गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाया तो मैं हूं, मैं दूंगा। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ऐसा होता नहीं है, मतलब किया नहीं जाता एक्सप्रेसली, बट एक इम्प्लाइड माना जाता है विच इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी।
जिसके अकॉर्डिंग ये हम आगे देखेंगे अभी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में 140 के अंदर, कि अगर श्योरिटी ने पैसे दिए क्रेडिटर को तो वहां पर जो प्रिंसिपल डेटर है अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो रीइंबर्स करे श्योरिटी को, ठीक है, ये एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। 131 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, कि जैसे ही श्योरिटी की डेथ हो गई तो वहां पर माना जाएगा कि कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, रिवोकेशन जो हो रहा है ना, अगर वो एक्सप्रेसली दिया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ही हो सकता है। मतलब मान लो हमने यहाँ पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि ए जो श्योरिटी था उसने बी क्रेडिटर को बोला कि तुम सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उसके साथ काम करो, एक साल के लिए गारंटी दी, मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी है। अब अगर आज के दिन खत्म कर रहे हो आप गारंटी, अगर आप ए जो है आज के दिन खत्म करता है तो जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आज तक की डेट में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए लाइबिलिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी बनेगी, ठीक है। बहुत ही आसान बात करता है, ऐसे लैंग्वेज देखोगे तो थोड़ा टफ लगेगा। बहुत ही आसान बात यह है कि जहां पर दो श्योरिटीज है, ठीक है, ए और बी दो श्योरिटीज है, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई देख पहले ए तुझे पैसे देने, अगर तू नहीं दे पाया ना तो मैं पैसे दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। सबसे पहले बात तेरे पे आएगी, तू पैसे देगा, अगर तू नहीं दे पाया ना तो मैं दूंगा, ये अरेंजमेंट है उन दोनों के बीच में। अब जो सी क्रिएटर है उसको इस बारे में पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि क्रिएटर को इस अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पर वो फिर भी दोनों से बराबर पैसा ही ले सकता है, उसका पूरा अधिकार है, भले ही उसने पता भी हो, उसको जानकारी मिल भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो श्योरिटीज है उनका आधा आधा होता है, ठीक है, अगर दो है तो आधे आधे में देंगे या जितना भी उनका एक्सटेंट है, ठीक है। अब डिस्चार्ज 133 से 139 तक आप देखेंगे कि डिस्चार्ज किस तरह से होता है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान लो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिल बैठ के साठ गांठ करके जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के वही चेंज कर दिए तो श्योरिटी क्यों माने, श्योरिटी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसकी कंसेंट लिए बिना आपने ये चेंजेस कर दिए तो, ये वेरियंस कर दिए तो। अगर हाँ श्योरिटी की कंसेंट लिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप बिना मर्जी के एक कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दोगे जिसमें एक पार्टी, एक इंपॉर्टेंट पार्टी वो भी है, तो ये तो उसके साथ गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इसको बचाने के लिए ये टर्म, ये पर्टिकुलर सेक्शन रखा गया कि अगर कोई भी वेरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उससे जो हमारा श्योरिटी है वो हो जाएगा तुरंत तुरंत डिस्चार्ज। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हुए 134 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि अगर मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने अगर प्रिंसिपल डेटर को ही फ्री कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर ने बोला जाओ ऐश करो, तुम्हें रिलीज किया, अब तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, अगर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया ना तो श्योरिटी अपने आप ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमने 128 के अंदर देखा है कि जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है वही लायबिलिटी श्योरिटी की है। तो अगर तुमने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया तो श्योरिटी क्यों मानेगा बात, फिर उसको जरूरत ही क्या, वो तो प्रिंसिपल डेटर को बचाने के लिए ना। अब तुमने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया तो फिर बचे क्या उसके लिए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रिएटर कंपाउंड्स विद और गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू सू विद प्रिंसिपल डेटर। अब 135 136 में थोड़ा डिफरेंस समझना, ठीक है। 135 में क्या हुआ है, क्रिएटर ने अग्रीमेंट किया है, क्रिएटर ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, क्रिएटर ने अग्री किया कि भाई वो सू नहीं करेगा, वो केस नहीं करेगा, किसके साथ मिलके किया है, प्रिंसिपल डेटर के साथ। जब उसने प्रिंसिपल डेटर के साथ मिलके ये बात की है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिटर ने यही चीज किसी तीसरी पार्टी के साथ की है, किसी अनजान पार्टी के साथ की है,
तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये दोनों सेक्शंस में डिफरेंस है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 125 एंड 136। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 137 में बहुत ही आसान बात बोली गई और वो यही है कि जस्ट बिकॉज क्रिएटर शोइंग फोबियरेंस टू सू, मतलब वो केस नहीं कर रहा है, डज नॉट मीन कि जो श्योरिटी है वो अपने आप ही डिस्चार्ज हो गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि मेयर फोबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रिएटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्ररी डिस्चार्ज द श्योरिटी। Until unless contract में ऐसा लिखा हो, एक स्पेशल टर्म हो कि भाई अगर तुमने फोरबियरेंस टू सू किया, ठीक है, तुमने प्रिंसिपल डेटर से रेमेडी के लिए नहीं गए, रेमेडी नहीं मांगी, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज होगा। अगर इस तरह का टर्म है तो बिल्कुल डिस्चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 138 talks about release of one co-surety does not discharge others, मतलब जो creator है, ठीक है, let's say A और B, ये दोनों sureties है। अब C बहुत अच्छा आदमी है, creator है, उसने A को discharge किया कि जाओ, discharge किया। अब just because A को discharge किया, इसका मतलब ये नहीं कि B भी discharge हो जाएगा। B अब भी रहेगा, B फिर भी पैसे देगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, ये डिस्चार्ज होने से एक को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच क्या बात हुई है कि ये लोग आधा आधा देंगे। तो भले ही अभी यहाँ पर ए पूरा पैसा दे, कंप्लीट पैसा दे, वो बाद में ए से आधा पैसा बाद में ले सकता है, भले ही सी ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। बी फिर भी पैसे ले सकता है, आधे पैसे ले सकता है ए से। हाँ, अभी जरूर हो सकता है उसको पूरे पैसे देने पड़े, बट वो आधे पैसे बिल्कुल मांग सकता है ए से। तो ये सिर्फ फॉर्मैलिटी के लिए है, किसी ने एक रिलीज कर दिया। इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल सेंस इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बी तो फिर भी ए से पैसे मांग सकता है और ए को देना ही पड़ेगा। ये बात बहुत बहुत क्लियर है। 139 बोलता है कि डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी का अगर क्रिएटर ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि इम्पेयर कर दे श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी। जो श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी है कि मान लो कि वहां पर जो सी है, ठीक है, सी जो है वो क्रिएटर है, ठीक है, जो हमारा क्रिएटर है, ए इज द प्रिंसिपल डेटर, बी इज द श्योरिटी, ठीक है। अब ए ने सी को गोल्ड दे के रखा था, ठीक है, लेट से 100 ग्राम गोल्ड दे के रखा था। ये बात बी को पता थी, उसको पता था कि अगर कल के दिन ये पैसे नहीं दे पाया तो ठीक है भाई, मैं पैसे दे दूंगा, गोल्ड तो रखा है ना, गोल्ड ले लूंगा, पैसा तो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो तीने गोल्ड ए को वापस कर दिया कि भाई ये ले जा, ले जा ये गोल्ड, या मान लो सी ने वो गोल्ड बेच दिया। अब बी की ना जो इवेंचुअल रेमेडी थी क्या थी? गोल्ड, कि गोल्ड है, पैसा मिल जाएगा, मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब अगर उसने गोल्ड बेच दिया है तो बी की तो रेमेडी चली गई ना यार, अब वो पैसे कैसे वसूल करेगा? तो क्योंकि जब यहाँ पर इवेंचुअल रेमेडी इम्पेयर हो गई है, उसमें दिक्कत आ गई है, तो जो हमारा श्योरिटी है बी, वो हो जाएगा डिस्चार्ज, वो तुरंत तुरंत हो जाएगा डिस्चार्ज। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अच्छा, 138 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है 124 126 129 130, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन 128 इंपॉर्टेंट है, 130 नहीं, 128। इन चार सेक्शंस को कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद 140 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कौन से सेक्शन में दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, the surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. मतलब suppose पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी क्या थी कि A, B और C है, ठीक है, यहाँ पर C is the creditor। पूरा मुद्दा क्या है,
मान लो अगर ये प्रिंसिपल रिटर है, प्री श्योरिटी है, तो जो पूरा पर्पस था वो क्या था कि अगर प्रिंसिपल रिटर पैसे नहीं दे पाया तो श्योरिटी देगा। अब मान लो सेम चीज हो गई, ए ने कर दिया डिफॉल्ट, ए पैसे नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, लेट से कितना भी रुपए हो, 100 रुपए हो, 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा दे दिया। अब जब बी ने सी को पैसा दे दिया क्रेडिटर को, उस क्रेडिटर का काम खत्म हो गया, क्रेडिटर का रोल खत्म हो गया, उसको तो एक ही बार पैसा मिलना है, मिल गया, क्रेडिटर खत्म। अब जो हमारा श्योरिटी है वो बन जाएगा क्रेडिटर, ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ अ क्रेडिटर, उसके पास वैसे ही राइट हो जाएंगे जो क्रेडिटर के पास, क्योंकि हमने देखा था कि जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में, कि अगर श्योरिटी ने पैसे दिए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को, सॉरी या क्रेडिटर को, तो प्रिंसिपल डेटर की ड्यूटी होगी कि वो रीइंबर्स करे हमारे श्योरिटी को, क्योंकि ये काम उसने कहीं से भी फ्री में नहीं किया है। ठीक, आगे बढ़ते हुए, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, कि जो जो मान लो जैसे प्रिंसिपल डेटर है उसने 100 ग्राम सोना रखा था, आधा किलो चांदी रखा है, घर के पेपर रखे हैं, अगर श्योरिटी ने ये पैसे दे दिए क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर ये सारी सिक्योरिटीज जो है ना वो प्रिंसिपल डेटर को नहीं देगा, श्योरिटी को देगा, क्योंकि अब जो हमारा श्योरिटी है वही क्रेडिटर बन गया है, वो नया क्रेडिटर हो गया हमारा। अब श्योरिटी का काम खत्म, क्योंकि श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिया, क्रेडिटर का काम खत्म, अब जो श्योरिटी है वही क्रेडिटर बन गया है, एंड द प्रिंसिपल डेटर हैज टू पे बैक द अमाउंट टू द श्योरिटी, या जिसको हम अब नया वाला क्रेडिटर कह सकते हैं, ठीक है। गारंटी अगर ऑब्टेन की गई है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट से तो वो इनवैलिड होगी, सिंपल सी बात है ये। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल कोश्योरिटीज जॉइंस, मतलब अगर मान लो यहां पर एक कंडीशन अटैच कर दिया, दोष एक श्योरिटी है, उसने बोला भाई देख, जैसे होता है ना, कई बार होता है, बहुत हुआ होगा बचपन में, यार देख मैं तभी जाऊंगा ट्रिप में जब वो आएगा, मेरा दोस्त तभी मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। वैसे यहाँ पर है, एक कंडीशन अटैच है कि मैं श्योरिटी तब बनूंगा जब बी भी श्योरिटी बनेगा, अगर वो नहीं बना तो मैं नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन अटैच है कि जब तक कोई श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है ना, अपन भी नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइड, जैसे मैंने अभी बताया, इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, अगर श्योरिटी ने आपके बिहाफ पे पैसे दिया था, एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि भैया मैं आपको पैसा दूंगा, आप भी आप बस मुझे बचा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। को श्योरिटीज आर लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है, कि मान लो को श्योरिटीज ये और भी है, प्रिंसिपल डेटर का भी रोल है, तो उसको हटा देते हैं, सी जो है वो क्रेडिटर है, 1 लाख रुपए की बात है, तो दोनों में डिवाइड होंगे आधे आधे, 50-50 हजार रुपए दोनों ने देना है, ठीक है। ये मान लो एक्सटेंट डिवाइडेड है दोनों में, कि मान लो तीन को श्योरिटीज है, वहां पर उन्होंने डिसाइड करके रखा है, ए ने बोला कि भाई मैं किसी भी हालत में 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, बी ने बोल के रखा है मैं किसी भी हालत में 30,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, और सी ने बोल के रखा है कि मैं किसी भी हालत में 40,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। अब जो डी क्रेडिटर है उसको देने हैं करीब लेट से 60,000 रुपए देने, तो बी अपने पूरे, और ये अपने पूरे 20,000 देगा, बी की लिमिट बी 30 है, लेकिन उसको सिर्फ बी ही देना है, बी सी देना है, ठीक है। सेम गोज फॉर सी एस बेल, तो 20-20-20 तीनों दे देंगे। अब यही मान लो अगर ये 70 होता तो बी ए तो बी सी देता, बी जो है वो कितने देता, 25, और जो सी है वो भी 25 देता। तो जब तक आपकी लिमिट पूरी नहीं हुई है, आधा 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 चलता जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में चलता जाएगा, बट अगर आपका एक्सटेंड खत्म हो गया है तो जितना आपका एक्सटेंड था उतना आप पूरे दोगे, राइट। ये देख लो 147 आज से कुछ स्टफ नहीं है इसमें, ठीक, यस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है ये बात करता है बेलमेंट की। अब बेलमेंट होता क्या, बेलमेंट इज बेसिकली जब एक व्यक्ति ने
कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, याद रखना मूवेबल है ये मूवेबल नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को दी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पजेशन दिया है। ठीक है, अब ये जो पजेशन दिया है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हम सब ने अपनी कारों में या स्कूटी में या बाइक में कभी ना कभी रिपेयर या मेंटेनेंस जरूर करवाया, वो परफेक्ट एग्जांपल है बेलमेंट का। हमने हमें कभी ना कभी अपने जो कपड़े हैं इस्त्री होने दिए होंगे, ठीक है, आयन होने दिए होंगे, वो परफेक्ट एग्जांपल है बेलमेंट का कि आपने मूवेबल प्रॉपर्टी अपने कपड़े, ठीक है, वहां जाके दिए हैं और फिर वो आपको आयन करके देगा वापस। एक स्पेसिफिक पर्पस है कि भैया दो दिन के अंदर आयन करके देना है। ठीक है, तो आपने पजेशन दिया है मूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरे व्यक्ति को, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। जब ये पर्पस खत्म हो जाए, जब उसका काम पूरा हो जाए, तो उसको वो प्रोडक्ट, वो चीजें हमको वापस करनी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी वो वापस करेगा। ठीक है, दो पार्टीज होती है, एक होता है बेलर, जो व्यक्ति पजेशन देता है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको पजेशन देता है उसको बोलते हैं बेली। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों नाम याद रखिएगा। डिलीवरी टू बेली किस तरह से होगा, ठीक है, ऐसी किसी भी तरीके से दे दो जिससे समझ में आ जाए कि आपने दूसरे के पजेशन में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिक को देनी है कार, ठीक है, जो मेन मैकेनिक है वो नहीं था, आपने उसका जो सबॉर्डिनेट है उसको बोला कि भाई कार रख के जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा 6 बजे, ठीक करके दे देना, मैंने उससे बात कर लिया, जो जो भी है। ठीक है, अब ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई है, 150 बेलर की ड्यूटी बताता है। यहाँ पर बेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे जो भी फॉल्ट है गुड्स में, कि भाई कार का जो ब्रेक है ना वो ब्रेक फेल हो चुका है। ऐसा ना हो कि भाई मैकेनिक वहां गया है ट्रायल करने की क्या क्या दिक्कत है, उसने गाड़ी तेज चलाई, हो गया एक्सीडेंट, क्योंकि उसको बताया नहीं गया कि ब्रेक फेल है। अगर बता दिया होता तो वो अलग तरीके से जाता, बताया नहीं गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक, केयर टू बी टेकन बाय बेली, बेलमेंट के केस में उसने रीजनेबल केयर लेनी है। ठीक है, उसको उस प्रकार की केयर करनी है जो कि वो अपने खुद के चीजों की करता, खुद की प्रॉपर्टी की करता, उस प्रकार की केयर उसने दिखानी है। ठीक है, बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एटसेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ट। ठीक है, अब अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ द थिंग बेल्ट, है ना। अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अगर वो रीजनेबल केयर रखा है, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कि मान लो मैकेनिक के गैराज में कार खड़ी हुई है, एकदम से आग लग गई, एकदम से ब्लास्ट हो गया, कार पूरी तबाह हो गई, अगर उसने रीजनेबल केयर की है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि वो रीइंबर्स करे। सीधी बात, ठीक है। 153, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अगर जो भी कंडीशन दी गई है अगर उसने इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है तो फिर वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा बेलमेंट। लाइबिलिटी ऑफ बेली, अगर उसने कोई अनऑथोराइज यूज किया है गुड्स बेल्ट का, ठीक है, कि अगर उसने अनऑथोराइज यूज किया, कि मान लो हमने मैकेनिक को कार दी है कि भैया हमारी कार ठीक कर देना, हमें समझ में आ रहा है कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ गोवा लेक चला गया हमारी कार लेके, ये डेफिनेटली अनऑथोराइज यूज जो है हमारे गुड्स का जो हमने बेल किया है। ठीक है, 155, 155, 156 और 157, बहुत ध्यान से देख, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर चाहो तो एक बार रीड कर लेना फिर इसको सुनना। 155 में बोला गया है कि अगर बेलर की कंसेंट के साथ आपने मिक्स किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो प्रपोर्शन है उसी हिसाब से बांट लेना। ठीक, 156 में बोला गया कि अगर आपने बेलर की कंसेंट नहीं ली है और मिक्स कर दिया है, तो अगर वो चीज सेपरेट हो सकती है तो सेपरेट करवाओ, और जो भी सेपरेट करवाने में खर्चा होगा वो बेली देगा, क्योंकि गलती बेली की है, सिंपल बात। 157 में बोला गया है कि अगर अगेन यहाँ पे मिक्स हुआ है, बेलर की कंसेंट नहीं है और जो चीजें हैं वो इनसेपरेबल है, ठीक है, अब वो सेपरेट नहीं हो सकती, इस तरह के वो गुड्स हैं, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपने कंपेंसेट करना है किसको, बेलर को।
फॉर एग्जाम्पल सपोज आटा चक्की की बात है ना, बेलर बेली की बात हो सकती है वहां पर। अब आटा चक्की वाले ने जो एक व्यक्ति है उसका 6000 कुंटल वाला गेहूं, 6000 रुपए कुंटल वाला गेहूं मिला दिया 2000 कुंटल रुपए कुंटल वाले गेहूं से, दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। अब वो आटा बन चुका है, अब उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जिसके भी वो पर्टिकुलर चीज थी, ठीक है, उसको आप उसी हिसाब से कंपेंसेट कर दोगे, दैट्स इट। तो अगर सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट करो, सेपरेट करने का जो भी खर्चा है वो कौन देगा, बेली। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है वहां पर तो क्या होगा, तो भैया जो भी कॉम्पेंसेशन देना है बेलर को वो दिया जाएगा, वो बिल्कुल इसके लिए एंटाइटल्ड है। रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है, कि मान लो वहां पर जो भी एक्सपेंसेस हुए कि सर आपकी कार आपने दे तो दी थी, कार की हालत इतनी खराब थी, बोनेट अलग गिर रहा था, ये टायर अलग खराब थे, हमने टायर में ये सब किया वो सब किया वगैरह वगैरह, जो भी एक्सपेंसेस है वो मिलेंगे उसको, सिंपल बात। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुअसली, ग्रेचुअसली मतलब फ्री वाले चीजें हैं, ठीक है, तो उसको रिस्टोर किया जाएगा, सिंपल बात, ज्यादा कुछ नहीं है। 160 बोल रहा है कि भाई रिटर्न ऑफ गुड्स होंगे, सीधी सी बात है, पूरा पर्पज ही है कि जैसे ही उन गुड्स का काम हो गया चुपचाप से उनको वापस कर दो, बात खत्म, ठीक है। बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, अगर वो ड्यूली रिटर्न नहीं किए गए, रिटर्न होने चाहिए थे रिटर्न नहीं किए गए, तो क्या होगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन, ठीक है, तो जो भी लॉस होगा जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन सब के लिए लायबल होगा। 162 बेलमेंट ऑफ सॉरी टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट बाय डेथ। अच्छा अब यहां पे याद रखना दो तरह की बेलमेंट होती है, एक होता है ग्रेचुअस जो आप देख ही चुके हो देख ही रहे हो, और एक होता है नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस इज फ्री वाला, मतलब जैसे होता है ना पड़ोस के यहाँ, यार हम मान लो एक आध महीने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमने अपनी कार पार्क कर दी हमारे पड़ोसी के घर में, ये लो चाबी प्लीज देख लेना कार, क्योंकि हम रहेंगे ना एक महीना वगैरह वगैरह, ये ग्रेचुअस बेलमेंट है, फ्री वाला बेलमेंट है। नॉन ग्रेचुअस इज यही कार आपने मैकेनिक को दी है रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के लिए, वो नॉन ग्रेचुअस है, ठीक है, वहां पर आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। 163 बेलर इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गोल्ड स्पेल्ड, उसका सारा सिंपल एग्जांपल इलस्ट्रेशन से मिल जाएगा कि मान लो आपने गाय दी थी कि आपको यार मुझे बाहर जाना है गाय देख लेना, अब गाय ने दे दिया बछड़ा, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ गाय मिलेगी, गाय प्लस बछड़ा दोनों, हाँ बिल्कुल, बेली ने जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है, जो भी खर्चा हुआ है वो उसको मिलेगा बकायदा, लेकिन जो भी यहाँ पर बछड़ा हुआ है ऐसा नहीं कि बछड़ा वो रख लेगा बेली, ऐसा नहीं होगा, आपको गाय भी मिलेगी और काफ भी मिलेगी। बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेली अगर उसको कोई भी लॉस होता है, ठीक है, कि मान लो जो बेलर है उसने अपना डॉग, ठीक है, अपना कुत्ता दे के रखा, दे के गया था बेली को, अब यार जो उसका कुत्ता है उसने तबाही मचा दी, जो डॉग है, ठीक है, उसने तबाही मचा दी, एक वास गिरा दिया, कुछ पेंटिंग्स तोड़ दी, करीब 10-15 हजार का खर्चा कर दिया, तोड़ दिया सब कुछ, ठीक है, तो यहां पर बेलर उसको पैसे देगा जो भी लॉस हुआ है उसकी चीज की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। बेलमेंट अगर किया गया है बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, ठीक है, तो किसी भी एक जॉइंट ओनर को दे सकता है, बाकी उसे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, सबसे एक एक करके कंसेंट नहीं लेगा, कि मान लो 10 जॉइंट ओनर है, 10 ओनर है, अब 10 से 10 से नहीं पूछेगा, जो सामने देखा उसको दे दिया, बात खत्म, सिंपल सी बात है। 166 as such इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स पेड, ठीक है, इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर, बेलर के अलावा कोई तीसरा पर्सन है वो अगर क्लेम कर रहा है तो क्या करेगा, जो बेली है वो कोर्ट के पास जाएगा, स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेलर, और डिसाइड करेंगे टाइटल, भाई टाइटल किसका है, अभी सबसे पहला मुद्दा ये है कि टाइटल किसका है, ठीक, इस पे चर्चा होगी वहां पर। फिर आगे बढ़ते हुए राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, या आप याद होगा कल मैंने बताया भी था, 71 से रिलेट करते हैं, ठीक है, कि द फाइंडर ऑफ गुड्स
has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods. ठीक है, but उसका कोई हक नहीं है कि वो वहां पर केस करे, लेकिन जब तक उसको खर्चा पानी नहीं मिला, जो भी उसने खर्चा किया है, अगर उसका पैसा नहीं मिला तो वो रिटेन जरूर कर सकता है उस गुड को, ये उसका अधिकार है। ठीक है, कि मान लो एक व्यक्ति की गोल्ड पड़ी हुई थी रास्ते में, एक व्यक्ति को मिली, नाउ इज द फाइंडर ऑफ दैट लॉस्ट थिंग। अब उसने ढूंढा, पता किया, ट्रैवल करके आया, इन सब में 3-4 हजार का खर्चा हो गया। अब बेलर ये पैसे देने को तैयार नहीं है, जिसके जो ओनर है, बेलर नहीं बोलना चाहिए, जो ओनर है, ठीक है, वो पैसे देने को तैयार नहीं कि मैं पैसे नहीं दे रहा भाई, मैं क्यों पैसे दूं। तो यहां पर उसका अधिकार नहीं कि वो केस करे, लेकिन जब तक उसके 3-4 हजार नहीं मिल रहे ना, वो रिटेन कर सकता है गोल्ड रिंग, ये बात है। ठीक है, व्हेन द फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, कब सेल कर सकता है, जब वो पेरिशेबल नेचर की हो, या जब उसके जो लॉफुल चार्जेस है, जो खर्चा पानी हो गया है ना, वो उसकी वैल्यू का 2/3 हो गया है। ठीक है, 2/3 कि मान लो जो हमने चीज मिली है ना, वो है तो 900 रुपए की, इस पे खर्चा हमने अभी तक 700 का कर दिया, तो फिर इसको बेच सकते हैं। या तो पेरिशेबल नेचर की है, कि हमें 10 किलो आम मिले, अब आम एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप रखे रहोगे तो 10 दिन बाद वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जीरो वैल्यू हो जाएगी। इन दैट केस एज वेल, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के हैं, नेचुरल डिके हो सकता है उनका, इसलिए आप उसको सेल कर सकते हो। 170 एंड 171 बहुत बार पूछा जा चुका है। 170 में पर्टिकुलर लीन की बात है, ठीक है, बेलर का पर्टिकुलर लीन, कि मान लो अगर अगर आपने कपड़े दिए थे, ठीक है, स्त्री होने के लिए, आयन होने के लिए, अब आप पैसे देने को तैयार नहीं, उसने बोला सर आप 100 रुपए स्त्री हुई है, 100 रुपए दे दो, अब आप 100 रुपए देने को तैयार नहीं हो, तो जो वो है ना बंदा, जो बेली है, वो सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर कपड़े रख सकता है, उसके पहले भी अगर कपड़े पड़े हुए तो वो नहीं रख सकता। जो पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे देने और मना किया जा रहा है, सिर्फ वही लीन में रख सकता है। 171 में थोड़ा सा डिफरेंस है, जनरल लीन, जो हाथ में आया ना वो रख लेंगे, पेन देखा पेन उठा लिया, चाबी देखी चाबी उठा ली, जनरल लीन की बात हो रही है। ठीक है, किस किस की है, बैंकर्स की, फैक्टर्स की, वॉर फिंगर्स की, अटॉर्नीज की एंड पॉलिसी ब्रोकर्स की। 172 से हमारा चालू हो जाता है प्लेज। ठीक है, अच्छा याद रखना, जो प्लेज है ना, प्लेज इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट इटसेल्फ। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि प्लेज जो होता है ना, वो किसी सिक्योरिटी की पर्पस की होता है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट, जिसको अपन बोलते हैं गिरवी। बहुत बार सुना होगा, ये गांव में बहुत ज्यादा होता है कि लोग अपना सोना गिरवी रख देते हैं कि थोड़ा पैसा मिल जाए खेती के लिए, उसको बोला जाता है प्लेज। यूजुअली गोल्ड लोग ज्यादा देते हैं कि भाई गिरवी रख रहे, पैसे दे दो, जब छुड़ाएंगे तो पैसे दे देंगे, ठीक है, तब हमें सोना वापस कर देना। इस तरह की सिचुएशन को, वहां पर दो पार्टीज होती है, एक होता है पॉनर और एक होता है पॉनी। तो जिसने प्लेज की अपनी चीजें, जिसने मान लो सोना दिया है सोने वाले एग्जाम्पल में, तो वो होगा पॉनर, और जिसको सोना दिया है वो हो जाएगा पॉनी। ये दोनों पार्टीज आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसको जल्दी से रीड कर लीजिए, अब तो चेक ये सब सही है कि नहीं। यस, चलो 173, पॉनी इज राइट ऑफ रिटेनर। यहाँ पर जो पॉनी है उसका राइट है रिटेनर का, कि भाई जब तक तुमने पैसा वापस नहीं किया ना, तब तक मैं रिटेन कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि तुमने मुझसे लोन लिया है। ठीक है, सिर्फ जो पैसा लिया है वही नहीं, इंटरेस्ट भी, कि तुमने मुझसे 1 लाख रुपए लिया है, 1 लाख रुपए नहीं, मैंने बोला था तुम्हें 20% ब्याज लगेगा, अब 20% ब्याज भी चाहिए, 1,20,000 दोगे ना 1 साल के बाद तो मिलेगी चीज वापस, वरना नहीं मिलेगी, सिंपल बात है। पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रोमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज्ड, कि भाई जो भी तुम्हें चीज दी गई है ना, सिर्फ वही रखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉनी इज राइट एज टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि अगर मान लो पॉनी को एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस इनकर करने पड़ रहा है, बहुत खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी चीज उसको ध्यान से रखनी है, तो उसका एक्सपेंस
तुम उठाओगे क्योंकि चीज तुम्हारी है, ठीक है, क्योंकि चीज तुम्हारी है, तुम्हारी चीजों को प्रिजर्व कर रहा है वो, तुम्हारे गुड्स को प्रिजर्व कर रहा है वो, इसलिए उसका खर्चा पानी भी तुम ही दोगे। आदि सीधी बात एकदम, कोई डिफिकल्टी नहीं उसमें। आगे बढ़ते हुए, पॉन इज राइट वे पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। कि भैया अगर वहां पर जो हमारा पॉनर है जिसने हमें गिरवी रखी थी ना चीज, वो डिफॉल्ट कर जाए, वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीजनेबल नोटिस देके, पॉनर को रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा सेल का। अच्छा अगर किसी ने ओम जय जगदीश देखी है, खैर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, जो प्लेज होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का, बस बता रहा हूँ, रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा कि भाई ऑक्शन होने वाला है, तुम्हारी जो चीज है ना गिरवी मेरे पास, उसका मैं ऑक्शन करा रहा हूँ या मैं उसको बेच दूंगा, आखिरी मौका है, अगर फलाना तारीख को आके पैसा दे दिया तो ठीक, वरना अगले दिन में जाके बेच दूंगा। एक रीजनेबल नोटिस दिया जाना जरूरी है वहां पर। डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। कि मान लो अभी डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन तुमने उसको बेचा नहीं है, अब वो चीज तुम्हारे पास पड़ी हुई है, वो आया अगले दिन, उसने तुम्हें सारे पैसे दिए 1,20,000, ये लो 1,20,000, तुम्हें उसकी चीज वापस करनी है, रिडीम कर सकता है वो, ठीक है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, इसमें बस याद रखना सेक्शन नंबर और मर्केंटाइल एजेंट के बारे में दिया गया, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। 178 इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। 182 यहां से हम चालू कर देते हैं हमारा एजेंसी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी रिलेवेंट चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हुए, 182 में बताया गया कि एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। एजेंट वो व्यक्ति है हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एम्प्लॉय किया गया है टू डू एक पर्टिकुलर एक्ट या कोई भी एक्ट फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, या जो दूसरे को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा विद थर्ड पर्सन, तीसरे लोगों के सामने, थर्ड पार्टीज के सामने वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। भैया जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है। 183 में बताया गया कि कौन एम्प्लॉय करेगा एजेंट को। एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट एंड इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय। जरूरी क्या है प्रिंसिपल बनने के लिए, कि आप वहां पर मेजोरिटी के हो। बेसिकली ऐसा हर व्यक्ति हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो प्रिंसिपल बन सकता है, क्योंकि जो एजेंट का काम है, एजेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल। जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करेगा वो सब बिहाफ में करेगा प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल का वैलिड पार्टी होना जरूरी है। एजेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का करोगे आप, बात समझ में आई, ठीक है। हु मे बी एन एजेंट एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन्स, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टीज के बीच में कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, बट नो पर्सन, ऐसा कोई भी व्यक्ति हु इज नॉट द एज ऑफ मेजोरिटी या साउंड माइंड का नहीं है, कैन बिकम एन एजेंट who has to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf. Okay? For example, suppose, अब यहाँ पे एक principal है, principal ने 12 साल के बच्चे को अपना agent बना के रखा है, ठीक है? According to this section, third parties के बीच में और principal के बीच में कोई भी बन सकता है, लेकिन जो principal है, वो कभी भी कोई remedy, कभी भी compensation नहीं मांग सकता किससे, अपने agent से, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो भी। कब नहीं मांग सकता, अगर वो एजेंट माइनर है या साउंड माइंड का नहीं है तो। इसलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में होता क्या है, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड शुड बी ऑफ मैच्योरिटी, ये दोनों चीजें होना जरूरी है। बट यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको बनाना है बनाओ, बट अगर तुमने माइनर को बनाया, अगर तुमने अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को बनाया तो तुम उससे कोई रेमेडी नहीं ले पाओगे भले वो गलती कर दे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि देख समझ के बनाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को बनाओ who is competent to enter into a contract, ठीक है। 185 से एक ही बात करता है कि consideration is not necessary, ये कई बार पूछ लिया जाता है
कि बताओ कहाँ कहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 25 उसके साथ 185 और जोड़ दो कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं होती कंसिडरेशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एजेंट्स अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अगर बताई गई है लिख लिख के तो एक्सप्रेस है, अगर नॉर्मल सेंस में है पता ही है होती है तो इम्प्लाइड होगी, ठीक है। 187 में सिर्फ डेफिनेशन बताई गई, इंपॉर्टेंट है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ठीक है। एजेंट की अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी लॉफुल एक्ट कर सकता है जो कि जरूरी है करने के लिए, कैसा एक्ट किया जाना चाहिए। अब 189 में बताया गया इमरजेंसी के बारे में कि अगर मान लो एजेंट है, एजेंट ने परमिशन लेनी होती है प्रिंसिपल की। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि प्रिंसिपल से परमिशन लेना या प्रिंसिपल से बातचीत कर पाना, प्रिंसिपल से कनेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एजेंट जो है वो डिसीजन ले सकता है। और वो किस तरह का डिसीजन लेगा, जो भी एक ऑर्डिनरी मैन या कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ, जो कोई भी रीजनेबल मैन लेता डिसीजन, उस तरह का डिसीजन ले सकता है। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हिच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। मतलब अगर एजेंट ने खुद बोल के रखा ना कि ये काम तो मैं ही करूंगा यार, मैं ही करूंगा ये काम, कोई और नहीं करेगा, तो वो आप डेलीगेट नहीं कर सकते। 191 बात करता है सब एजेंट की। सब एजेंट इज बेसिकली एजेंट का एजेंट, मतलब एजेंट का एजेंट इज सब एजेंट, जिसको एम्प्लॉय कौन करेगा, एजेंट, ठीक है। इसलिए अपन आगे देखेंगे कि जब एजेंट को हटाया जाता है ना तो सब एजेंट अपने आप ही हट जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना लात एक को मारी दूसरा अपने आप गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, कि अगर वहां पर वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल लायबल होता है सब एजेंट के लिए। बट जो सब एजेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द एजेंट, ठीक है, राइट। 193 में बताया गया कि अगर विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एजेंट लेगा, प्रिंसिपल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सीधी सी बात है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि बिना अथॉरिटी के किया गया अपॉइंट, क्योंकि बिना अथॉरिटी के लिए किया गया तो वहां पर क्यों कोई जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है अगर आप अथॉरिटी के बिना ही अपॉइंट कर रहे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 194 इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इसको भी कौन अपॉइंट करता है, हमारा एजेंट, यह हम आगे देखेंगे, हाँ, जो कि दिखाता है कि एजेंट की ड्यूटी क्या होगी। जो भी जिस भी व्यक्ति को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बना रहे ना, जरूरी यह है कि वो काम का बंदा होना चाहिए, वो काम कर पाए इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी एजेंट बना दिया, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बना दिया। वहां पर आपने रीजनेबल डिस्क्रिशन, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, रीजनेबल मैन जिस तरह से एक्ट करता है वो आपको उस तरह से उस प्रकार के काम करने हैं, ठीक है। 196 राइट ऑफ पर्सन as to acts done for him without his authority, basically ratification. Ratification याद रखना, ratification का मतलब ही ये है कि the act has been done and फिर we are taking the consent, ठीक है। अगर तुम पहले consent ले रहे हो फिर act कर रहे हो तो basically वो तो permission हुआ, simple सी बात है। But तुमने act कर दिया है और अब तुम्हें permission चाहिए, तो उसको हम जो term use करते हैं उसको बोलते हैं ratification. 196 talks about ratification, ठीक है, कि वहां पर प्रिंसिपल चाहे तो भली एजेंट ने एक्ट कर दिया उसको रेटिफाई कर सकता है, ये जिम्मेदारी है उसकी। अब रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। कि मान लो एजेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और बिना परमिशन के किया है प्रिंसिपल के, अब जब गुड्स आए तो प्रिंसिपल ने वो एक्सेप्ट कर लिया और अपने गोडाउन में रखवा लिया। नाउ दिस विल शो कि इम्प्लाइड रेटिफिकेशन है, बोल के नहीं किया है, एक्ट के थ्रू बता दिया कि ठीक है भाई मैं रेटिफाई कर रहा हूं। Knowledge requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. मतलब जब agent ratification मांगेगा तो पूरी जिम्मेदारी से सारी बात बताएगा। अगर कोई भी बात रह गई है, कोई भी बात छुपाई गई है,
तो फिर वहां पर वैलिड रेटिफिकेशन वो नहीं होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने रेटिफाई किया अनऑथराइज्ड एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ, उसने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई कर दिया। ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट को कर रहे हो, आप पूरे ट्रांजैक्शन को, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके रेटिफिकेशन, क्योंकि एजेंट ने आपके कंसेंट के बिना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तीसरी पार्टी है उसको लॉस हो जाए तुम्हारे रेटिफिकेशन की वजह से, ये चीज नहीं होनी चाहिए। 201 बताता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में, कि टर्मिनेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो किस तरह से होता है कि मान लो प्रिंसिपल रिवोक कर ले उसकी अथॉरिटी, कि जाओ आज से तुम आजाद, आज से तुम मेरे एजेंट नहीं हो, सबसे आसान तरीका है। या अगर एजेंट रिनाउंस कर दे बिजनेस ऑफ एजेंसी, कि भाई मैं आज से आपका एजेंट नहीं हूं, ये भी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, कि मान लो एजेंट बनाया था मैंने तुम्हें, कब तक, जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक, आईपीएल खत्म तुम्हारा काम खत्म, बोरिया बिस्तर मान दो निकलो, ठीक है। या प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाए या वो अनसाउंड माइंड की हो जाए, या तो प्रिंसिपल वहां पर इनसॉल्वेंट घोषित हो जाए, ठीक है, ये सारे तरीके हो सकते हैं। अब अगर मान लो एजेंट को इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, कि जो मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर उसमें इंटरेस्ट है एजेंट को, तो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगा एजेंसी, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 203 व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट की अथॉरिटी, जब प्रिंसिपल रिवोक कर सके एजेंट की अथॉरिटी, तो वो कब कर सकता है, given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. अब मान लो अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, अगर एजेंट है उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे प्रिंसिपल बाउंड हो जाए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला। जरूरी ये है कि जब उसने प्रिंसिपल को बाउंड नहीं किया है, जब प्रिंसिपल को बाउंड नहीं किया है किसी चीज से, उससे पहले हम रिवोक कर लें, वो सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट, ठीक है। अब अगर मान लो वहां पर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम कम से कम 6 महीने के लिए मेरे एजेंट बनोगे, अब वो 2 महीने बाद ही छोड़ के जा रहा है क्योंकि लेट से उसके गांव में उसकी जमीन को लेकर कुछ लड़ाई हो गई है, उसका जाना जरूरी हो गया है, तो वहां पर जो भी नुकसान हो रहा है ना प्रिंसिपल को उसके जाने की वजह से, एजेंट के जाने की वजह से, वो कॉम्पेंसेशन एजेंट देगा, ठीक है। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा इस तरह के रिवोकेशन का या रिनंसिएशन का, ठीक है, अदरवाइज डैमेज देना पड़ेगा। रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन एक्सप्रेस हो सकते हैं इंपैक्ट, सिंपल सी बात। 208 जब टर्मिनेशन होता है एजेंट की अथॉरिटी का, तो उससे क्या फर्क पड़ता है एजेंट के ऊपर या तीसरे पर्सन के ऊपर, कि मान लो कोई सब एजेंट है, सबके सब का गेम ओवर हो गया, ठीक है। जरूरी ये है कि दूसरे जो तीसरे व्यक्ति है, अब क्या होता है कई बार जो एजेंट है वही पार्टी से मिलते हैं, ठीक है, तो जरूरी है कि जो पार्टीज है, जो थर्ड पार्टीज है, उनको इन्फॉर्म किया जाए, ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, क्यों बताए थर्ड पार्टीज को, ये जो फलाना व्यक्ति है जो मेरे साथ पहले काम करता था अभी मेरे साथ काम नहीं करता है, इससे कोई कॉन्टेक्ट ना करे, इस तरह की जानकारी की देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी वहां पर, ठीक है। अब ये बताता है एजेंट की ड्यूटी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, भले ही वहां पर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए, एजेंट फिर भी बाउंड होगा टू टेक रीजनेबल स्टेप्स, जो भी रीजनेबल स्टेप्स है वो उसको लेना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेट प्रिंसिपल, कि मान लो जो बड़ा सा बिजनेस है, अब जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो जो भी रीजनेबल स्टेप्स हैं वो एजेंट ले सकता है और उसको इस पर्टिकुलर चीज के लिए रेम्यूनरेशन मिलेगा जो भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए जो भी जरूरी है एक्ट करना, वो सारी चीजें वो करेगा और इसलिए उसको पैसा बिल्कुल मिलेगा। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स, जैसे मैंने बताया अभी, एजेंट्स की ड्यूटी अगेन, ये सिर्फ रीड करने वाले हैं, उसमें ऐसा है नहीं, स्किल एंड डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए, जो भी रीजनेबल स्किल है वो आपको आनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सिंपल सी चीजें दी गई हैं।
एजेंट के अकाउंट, ठीक है, मतलब एजेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड टू अकाउंट्स, कि जो भी खर्चा हो रहा है, जितना खर्चा हो रहा है, सच सच बताना, पूरी जिम्मेदारी है, रीजनेबल डिलीजेंस दिखाना, वो सारी चीजें, प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह रखना, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल को सारी चीजें कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है बतानी के लिए है, वो सारी कम्युनिकेशन की जानी चाहिए. राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स इन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल का कंसेंट, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा. अब यहां पर कंसेंट लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंसेंट लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर नहीं लिए तो क्या होगा, प्रिंसिपल चाहे तो रेपुडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन, कैंसिल कर सकता है ट्रांजैक्शन, ये अधिकार उसको है, ठीक है. 216 में बताया गया कि प्रिंसिपल का राइट होगा बेनिफिट का, कि मान लो अगर एजेंट ने बिना उससे कुछ कोई ट्रांजैक्शन किया है, उससे उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रिंसिपल का राइट है उस बेनिफिट में, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम पे हुआ वो चीज, ठीक है. एजेंट का राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, मान लो एजेंट की सैलरी है 1,00,000 रुपए, ठीक है, 3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने से उसको पैसे नहीं दिए गए, अब कहीं से पेमेंट आती है 4,00,000 रुपए, तो वो 3,00,000 रुपए अपने अपनी सैलरी के रख सकता है और 1,00,000 रुपए जो वापस कर सकता है, वो पूरा मान्य होगा. एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसको पैसा मिल रहा है, जो भी वो पैसा रिसीव कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो उसको पूरा ब्योरा दे, पूरे अकाउंट्स दे, भाई ये पैसा फलाने व्यक्ति ने दिया था, ये यहाँ पे मैं रखा हुआ है. जैसे अच्छा, किसी ने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो जेठालाल गाड़ा की दुकान देखी होगी इसमें, राइट, वहां पे जो नट्टू काका थे वो एक तरह से एजेंट थे, ठीक है, जो बागा था वो एक तरह से एजेंट था, तो नट्टू काका पूरा अकाउंट्स वगैरह देखते थे कि कितना पैसा आया, किसने दिया वगैरह वगैरह, और पूरी जानकारी जेठालाल को देते, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. व्हेन एजेंट्स रेमुनरेशन बिकम्स ड्यू, कब रेमुनरेशन ड्यू होगी, जैसे ही उसने अपना काम कर दिया, ठीक है भाई, जैसे ही कंप्लीशन ऑफ एक्ट हुआ, जो भी उसका काम था वो पूरा हुआ, कि मान लो सेल का काम था, सेल करवा दी गई है, ऑक्शन का काम था, ऑक्शन कंप्लीट हो गया है, वैसे ही उसका पैसा ड्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात है. एजेंट नॉट एंटाइटल टू रेमुनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड, कि मान लो कुछ जिम्मेदारी थी, ऑक्शन करवाना था, अब क्या हुआ, पूरा सब बढ़िया हुआ, हाईएस्ट बिड थी 3 करोड़ की, लेकिन फिर भी हमने 2 करोड़ में बेच दिया, मिसकंडक्ट किया है, कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, उल्टा पैसे ले सकता है प्रिंसिपल. 221 की सिंपल बात करता है, लीन की बात करता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में, कि जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा एजेंट का लीन होगा प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में, कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी रखी है तो उस पे लीन होगा, वो अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है. एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉफुल एक्ट, कि अगर मान लो भाई जो हमारा एजेंट है वो तो एक लॉफुल एक्ट कर रहा था, एकदम बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस आई उसको उठा के ले गई, टंडे ही टंडे मारे उसको, बेल के लिए खर्चा भी करना पड़ा 50,000 रुपए, और वो सब चीजें किस लिए कर रहा था, अपने प्रिंसिपल भी पूरा लॉफुल एक्ट था. तो यहाँ पर उसका जो प्रिंसिपल है, जो भी उसका मेडिकल का खर्चा है प्लस जो भी बेल में खर्चा है, वो पूरा का पूरा इंडेमनीफाई करेगा. आगे बढ़ते हुए, एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ, कि अगर मान लो उसने कोई भी एक्ट किया है गुड फेथ में किया है तो भी उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, तो जो एम्प्लॉयर होगा एम्प्लॉयर विल बी लायबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट, इवन दो इससे कोई इंजरी हुई है थर्ड पर्सन को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज वो गुड फेथ में किया है, तो गुड फेथ वुड बी अ रेलेवेंट फैक्टर हियर. नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, कि अगर मान लो जो एजेंट है वो क्रिमिनल एक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स बेचने लगा, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, तो इसके लिए एम्प्लॉयर जो है वो बिल्कुल भी तनिक भी लायबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए. कॉम्पेंसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट, कि अगर मान लो प्रिंसिपल के
प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से, प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर कुछ लॉस हुआ है, किसको? हमारे एजेंट को। तो फिर वहां पर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हमारा जो ये है एजेंट को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। एकदम वैलिड पॉइंट है भाई, प्रिंसिपल की गलती की वजह से अगर हमारा एजेंट भुगत रहा है, उसको इंजरी हुई है, तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और वो मिलेगा। एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, इस बारे में ये चैप्टर है सच, ये पर्टिकुलर बंच ऑफ सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार फटाफट से देख लेना बस, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 220 एक बार देख लो, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। तब प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा जब एजेंट ने जो अपनी अथॉरिटी है उसके एक्सेस में काम किया है और वो सेपरेबल नहीं है, ठीक है? कि मान लो उसने एक्ट किया जो उसको अथॉरिटी दी गई है उससे एक्सीड कर गया और उसका जो काम है वो सेपरेबल नहीं हो पा रहा है, ऑथराइज काम से और अनऑथराइज काम से सेपरेबल नहीं है, वो मिल गया एकदम, ठीक है? तो प्रिंसिपल उससे बाउंड नहीं होगा। Consequences of notice given to the agent. Any notice given to or information obtained by the agent, provided it be given or obtained in the course of his business transacted, they have the same legal consequences as it had been given to or obtained by the. मतलब अगर तीसरी पार्टी ने कोई जानकारी दी है एजेंट को, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जानकारी प्रिंसिपल को दे दी गई है, implied information की तरह माना जाएगा कि हमने तो implied इन्फॉर्मेशन दे दिया प्रिंसिपल को, जैसे हमने एजेंट को बताया, क्योंकि एजेंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को बताओ, एजेंट को बताओ, एक ही बात है। एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ना वो पर्सनली एनफोर्स कर सकता है, ना वो बाउंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट से जो कि किए गए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है? फिर आज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं फिर कुछ नहीं है। 225 का देख लेना, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो अनट्रूली या गलत तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह एक ऑथराइज्ड एजेंट है किसी और का, ठीक है, तो वो लायबल होगा अगर उसका एलिस्ट एम्प्लॉयर जो बता रहा है कि ये मेरा एम्प्लॉयर है वो रेटिफाई नहीं करता उसके एक्ट को, तो वो पूरी पूरी तरीके से लायबल होगा वहां पर, ठीक है? Liability of principal inducing belief that agent's unauthorized acts were authorized. ठीक है, जब इस तरह का बिलीव जा रहा है कि जो एजेंट के अनऑथराइज एक्ट है ना वो भी मैंने ऑथराइज किए हुए हैं, तो वहां पर प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा, ठीक है? अगर उसके वर्ड से, अगर उसके कंडक्ट से ये समझ में आ रहा है, ये एक अपन समझ सकते हैं कि भाई वो वहां पर विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी है एजेंट के, ऐसा समझा जा सकता है, तो फिर वहां पर हम समझेंगे कि हाँ भाई ऑथराइज किया गया, भले अनऑथराइज एक्ट है लेकिन प्रिंसिपल ने अपने एक्ट के थ्रू, प्रिंसिपल ने अपने वर्ड्स के थ्रू उसको ऑथराइज करवा दिया, ऐसा दिखा दिया कि हाँ वो ऑथराइज है, मैंने बोला था उसको करने को, ठीक है? इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एजेंट। अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, फ्रॉड कमिट किया गया है बाय द एजेंट हु इज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस फॉर द प्रिंसिपल्स हैव द सेम इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट्स व्हिच आर मेड बाय सच एजेंट्स इफ सच मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड्स हैड बीन मेड और कमिटेड बाय द प्रिंसिपल बट मिसरिप्रेजेंटेशन मेड और फ्रॉड्स कमिटेड बाय द एजेंट्स इन मैटर्स व्हिच डू नॉट फॉल विद इन द अथॉरिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिंसिपल, ठीक है? तो अगर उनके अथॉरिटी में थे तो ऐसा माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने किया, अगर उनकी अथॉरिटी में नहीं है तो कोई लायबिलिटी अटैच नहीं होगी प्रिंसिपल। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। आई होप जो हमने पिछले अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ढाई तीन घंटे में किया है, कल और आज के मिलाकर, उसमें हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर दिया है। पहले ही बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, मेंस के लिए इस सेशन से बहुत हेल्प नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं और कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके प्री के नजरिए से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, ठीक है? चलो।
नाउ टॉकिंग अबाउट द योद्धा बैच जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है परसों, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने लेना है सब्सक्रिप्शन। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, मेरा कोड यूज कीजिए विच इज UTTU10। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ, और मुझे बताएं कि आपने एनरोल किया, ताकि हम डिटेल डिस्कशन कर पाए आपकी आने वाली स्ट्रैटेजी पे। आरएम टेस्ट सीरीज, इसका नेक्स्ट टेस्ट 21 नवंबर को है। आरजेएस वाले एक गलती से भी मिस मत करना, अच्छे तरीके से पता चलेगा, इवैल्यूएट कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को। पग्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कोई भी एजुकेटर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूज कर रहा है, गलत कंटेंट यूज कर रहा है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन क्लेम योर प्राइस। इसका जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली लॉन्च बैचेस हैं उसमें एनरोल कर लो और अपनी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से बूस्ट करो। स्पेशल क्लासेस में जो आपको फीचर्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, लाइव चैट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, पोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए विच हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रेज अ हैंड फीचर यूज कर सकते हैं प्लस मेंबर्स, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जस्ट लाइक इन ऑडियो कॉल। नेवर मिस अ क्लास, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप एनरोल करें क्लासेस के लिए। लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं एंड यू कैन वॉच द क्लास एनी टाइम एनी वेयर, बट कोशिश कीजिए हमेशा लाइव देखने की। याद रखिएगा फ्रॉम 22 नवंबर मैं रोज आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाने वाला हूँ, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड इट विल बी ऑन द अनअकैडमी लर्नर ऐप। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।